इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो सिंपल है, आप अगर इसको देखो तो ये, पहले तो आप ये मानोगे कि ये डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट। हम ये मान के चलते हैं ऑलवेज जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि ये डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। एनी हाउ ये आपके माइंड में होना चाहिए, इसका मतलब आप वैल्यू डायरेक्ट प्लेस करोगे, और जब प्लेस करोगे तब पता चलेगा एक्चुअल क्या है, वो डायरेक्ट कैलकुलेटिव है या फिर उसके अंदर इनडिटर्मिनेंसी इन्वॉल्व है। तो क्लियरली ये 0/0 आ रहा है, इससे हमें रिफ्लेक्ट होता है कि इसके अंदर इनडिटर्मिनेंसी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये इनडिटर्मिनेंट होगा, इसका मतलब इसके अंदर इनडिटर्मिनेंसी इन्वॉल्व है। अब कैसे किया जाए, तो हम सबसे पहले इसको किसी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हमें याद आ रहा है कि ये इस क्वेश्चन को देख के, इसके स्ट्रक्चर को देख के आपको याद आना चाहिए कि यहाँ ये किस स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है या किस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। तो ये इस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, जिसका आंसर क्या हुआ करता था, (n(a^n-1) हुआ करता था। ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले तो जो आपका x+1 है, आप इसको y एज्यूम करोगे, लेट x+1=y। दैट मीन्स आपने x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, y-1। तो लिमिट जो आपकी हो जाएगी, x जब 0 को अप्रोच करेगा, जब 0 आप x की वैल्यू प्लेस करोगे यहाँ पे, तो y आपका 1 हो जाएगा, इम्प्लाइज y अप्रोचिंग टू 1। पूरी लिमिट आप कन्वर्ट कर दीजिए y में, x से हटा के, तो y अप्रोचिंग टू 1, जहाँ पे x अप्रोचिंग टू 0 था, और x+1 को आपने y अज्यूम कर लिया है, तो y हो गया आपका पावर 5-1/x। x आपका क्या है, y-1 है। अब देखिए यहाँ पे जो कंपेयर करें, अगर हम गिवन फॉर्मेट से, तो n की प्लेस पे 5 पड़ा हुआ है और a की प्लेस पे आपका 1 है, तो इसको आप किसके इक्वल लिख दोगे, 5a^5-1। दैट मीन्स दैट कम्स आउट टू बी 5 1^4। तो वट एवर द पावर ऑफ 1, दैट ऑलवेज प्रोड्यूस 1, दैट मीन्स दैट कम्स आउट टू बी 5। तो इसका आंसर आपका 5 आ गया।